बुलंदशहर केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस और एसओजी टीम ने आरोपी राजकुमार सहित तीन को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर केमिकल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के मामले में बुलंदशहर पुलिस ने मुख्य आरोपी राजकुमार सहित तीन को गिरफ्तार कर लिया। सिटी कोतवाली पुलिस और स्वैट टीम ने कड़ी मशक्कत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी राजकुमार से पुलिस को अहम जानकारी हासिल हुई है। उक्त केमिकल फैक्ट्री में पेंट और आतिशबाजी निर्माण करने की जानकारी मिली है। बीते दो दिन पहले शुक्रवार को नगर से सटे गांव नया गांव व सरिता बिहार स्थित एक भूखंड में अवैध रूप से चलाई जा रही केमिकल फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हुआ था। फैक्ट्री भूखंड मलबे में तब्दील होने के साथ 5 लोगों की मौत हो गई। आसमान में धुएं के गुब्बार और भयानक आवाज से नगर सहित क्षेत्र थर्रा गया था। एसपी सिटी सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि मुख्य आरोपी राजकुमार प्रमोद व प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से जरूरी पूछताछ करने के बाद उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर, केमिकल ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी समेत दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ में क्या निकल कर सामने आया? ये जो वहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी, राजकुमार नामक व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी, और उसकी गिरफ्तारी एसओजी और कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की गई है। उसके साथ साथ उसका एक मित्र प्रशांत है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसका एक भाई प्रमोद है, उसको गिरफ्तार किया गया है। संचालन में उसके भाई विनोद की भी भूमिका थी, जो क्या नाम है घटना में मारा गया है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर एक पेंट की फैक्ट्री चलाता था, उसमें एक क्लियर लॉकर नामक पदार्थ बनाया जाना उसके द्वारा बताया गया। और साथ साथ उसके द्वारा क्लोरिनेटेड रबर पेंट व वाटर प्रूफ पेंट व जनरल सामान्य पेंट बनाना बताया गया। ये बताया गया कि उसके द्वारा कि ये काफ़ी ज्वलनशील होते हैं और इनसे क्या नाम है मैं उनके हुए, और ये भी इसके द्वारा बताया गया कि इसकी जो वहाँ पर भाभी काम करती थी वो शायद कभी कभी चाय या खाना भी बना लेती थी। तो संभावना इसके द्वारा ये व्यक्त की गई कि हो सकता है वहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ हुई हो जिसकी वजह से घटना हुई है। इसके पास जो भी केमिकल्स या पदार्थ पाए गए हैं उनका उनके बारे में जानकारी की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उसने भी वहाँ से सैंपल वगैरह लिए हैं, वो भी उसका परीक्षण कर रहे हैं। सारी चीज़ें इसमें जो एविडेंस हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं, और इनसे पूछताछ करने के आधार पर और जो हमारे एक्सपर्ट द्वारा सलाह है उसके अनुसार सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अवनीश त्यागी की रिपोर्ट।